अच्छा जी, सेवेंथ लेक्चर है आज बूटस्ट्रैप का, और इसमें हम पढ़ेंगे आज फॉर्म्स के बारे में बूटस्ट्रैप में। अच्छा, फॉर्म्स के अंदर क्या सिनेरियो है? बनाए हुए हैं ना एचटीएमएल में फॉर्म्स? अच्छा, ये इन्होंने एक फॉर्म सिंपली क्रिएट किया है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ना बूटस्ट्रैप की ये सारे लिंक सेट खत्म कर रहा हूँ। क्लियर? आपका फॉर्म बनता है कुछ इस तरह से एचटीएमएल, ऐसे ही बनता है। जब आप बूटस्ट्रैप में चले जाते हो, अब अगर चेक करते हो फॉर्म, लेट्स क्या बन गया, हाँ मोबाइल में जाके ऑटोमेटिकली सीवेट्स काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो हो गया सर, आइए वो हम आगे देख लेते हैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। ये भी उसने एग्जाम्पल दी है, एक एक चीज़ करके देखते हैं। बल्कि यार इसी के अंदर सब कुछ है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। ये देखो, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, उसी तरह से आएगा जिस तरह आप एचटीएमएल में करते हो। टाइप इक्वल टू पासवर्ड, उसी तरह से आएगा जिस तरह आप एचटीएमएल में कर रहे हो, सिर्फ इसमें क्लासेस का इजाफा होगा। इसमें कौन सी क्लास आ रही है? फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो क्या फुल लाइन छोड़ दी, जिस तरह वो आमतौर पर थी पहले। थोड़ी बहुत उसमें और स्टाइलिंग लाई हुई है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का है। जैसे कि अब इसमें ऐड करोगे तो 100% विड्थ हो जाएगी, हाइट भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, साइडों पर आउटलाइन, ये भी ऐड हो जाएगी इसकी ऑन ओवर पर। काफ़ी इफेक्ट्स आ चुके हैं इसमें। पासवर्ड के ऊपर भी इन्होंने क्या दिया है? फॉर्म कंट्रोल। सो जितनी भी इनपुट्स हैं उनके ऊपर आप ये वाली क्लास याद रख लो, फॉर्म कंट्रोल की क्लास दोगे तो वो इस तरह से स्टाइल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बटन के ऊपर। बटन को उन्होंने कौन सी क्लास दी है? इसको फॉर्म कंट्रोल ही देंगे। इसको क्या दी है? बीटीएन, बीटीएन डिफॉल्ट। ये आपने पहले पढ़ी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बटन्स पढ़े हैं ना, उसके अंदर बताया गया था पहले भी, बटन सक्सेस, बटन डेंजर, जो भी आपने कर। अब एक और मैं क्लास दे रहा हूँ फुल रेड, ठीक हो गया। सेंटर करेंगे तो सेंटर नहीं, सेंटर है ही नहीं है, फुल सेंटर नहीं है, फुल लेफ्ट है रेड। अच्छा क्लियर हो गया, इतना समय लग गया इस चीज़ तो फॉर्म्स के अंदर बेसिकली। अच्छा उसके अलावा क्या है यहाँ पे ना, फॉर्म ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्म ग्रुप्स। फॉर्म ग्रुप ग्रुप्स में आप डिफरेंट दो इनपुट्स को आपस में जोड़ दो, जिस तरह की देखो ये लेबल लिखा हुआ है, इनपुट लिखी हुई है, मैंने आपस में उसको जोड़ा हुआ है। एक से ज़्यादा चीज़ों को भी, जस्ट लाइक अक्सर आपने कल एग्जांपल में पढ़ा था, उसमें क्या था, सर्च का एक बटन था, सर्च का बटन लगा हुआ था इनपुट के अंदर ही, उसको जोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया था? फॉर्म ग्रुप। ठीक है, वेबसाइट एक बता रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी बताई हो, बूटस्ट्रैप फॉर्म बिल्डर, बताई हुई है, बताई हुई है। हाँ जी, अब बताई हुई है, इसका लेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज एंटर में सफर तो करो, रुको जरा, यहाँ पे इसका जो आईडी है ना, और जो इसका नेम है, वो बेसिकली ये हो जाएगा दोनों। नेम भी इसका, मैं इसका यूजर नेम कर रहा था, ये ना हो, नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू यूजर नेम कर दिया, और आईडी भी इक्वल टू यूजर नेम कर दिया। प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ नेम, मतलब प्लेस होल्डर का मतलब क्या, तो लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रीपेंड आ रहे हैं, आप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, जिस टाइप में कहता हूँ। अब अगर आइकॉन लगाना चाहता हूँ तो आइकॉन मैं यहाँ से लगा दूंगा, जस्ट लाइक। अच्छा यार ये देखो, यहाँ पे ना प्रीपेंड पे जा रहा हूँ, आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट करो मैं ये लगा देता हूँ, यूज़र लिखता हूँ, यूज़र की मैंने आइकॉन लगा दी। ठीक है, एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ऊपर आते हैं, एक और फील्ड ऐड करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ई मेल, मतलब उसे कहता हूँ ई मेल एंटर, नाम भी और आई डी भी ई मेल रख लेता हूँ। यहाँ पे ई मेल लिख देता हूँ फ्रंट पे, आइकॉन लगा देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ ई मेल। जो पेंड आ रहा है इसका मतलब है इस साइड पे आइकॉन आ रहा है, बाहर बाहर वाली साइड पे। ठीक है,
प्लेस होल्डर दिख रहा हूँ ना यार, तो ये उसके इधर आ रहा है। प्लेस होल्डर पड़ा नहीं हुआ आपने इसी में पिछले इलेक्शन में रिवाइज कर दिया था सर। सर जी पड़ा हुआ है ये, इसको बोलते हैं जब आप पीछे लिखा हुआ है। पीछे लिखा हुआ तो यार वो तो मुझे पता है यार, प्लेस यार नाम तो नहीं याद है। कितनी होगा बटन ऑप्शन तो नहीं आ रही। खैर ये जो जो आप यहाँ से जनरेट करोगे उसका पूरा फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा। ठीक हो गया, पूरा फॉर्म बन गया। अब अगर इसमें आप देखो तो हमने आइकॉन लगाई थी एनवेलप वाली ईमेल की इनबुक के साथ, तो ये आइकॉन भी जाएगी हमारे साथ। हाँ वेबसाइट पे भी जाएगी। यस ये देखो, ये इन्होंने किस तरह से लगाई है इनपुट, ये एक बनाई उसको रखा हुआ है फॉर्म ग्रुप के अंदर। एक इनपुट है और एक है इनपुट ग्रुप ऐड ऑन। ये देख रहे हो इनपुट ग्रुप ऐड ऑन, यहाँ से स्टार्ट हो गई इधर तक खत्म हो रही है यहाँ। इसके अंदर हमने आइकॉन लगाई हुई है। अब चूंकि ये दोनों इनपुट ग्रुप के अंदर है इसीलिए इकट्ठे आपस में मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अगर यही आप इसी ऐड ऑन को पकड़ गए, इस ऐड ऑन को पकड़ के नीचे कर दो, मतलब ये देखो वो आगे पीछे जी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से मैं नो कर देता हूँ, इधर आके मैं आइकॉन कर देता हूँ और आइकॉन में इनवेलप कर देता हूँ। अब देखना क्या होता है, वही वाला कोड पहले। अब इनपुट पीछे आ गई है ऐड ऑन, पीछे आ गई, आगे आ गई। हाँ जी पीछे आ गई, चलिए आगे राइट पे क्या गया। ये वाली जो इनपुट है ना, ये वाली ये पहले नीचे थी यहाँ पे, ऐड ऑन ऊपर था, अब ऐड ऑन नीचे आ गया, ईमेल ऊपर से नहीं गया। ठीक है, अच्छा आप इधर की बात कर रहे हो राइट, जिस चीज़ की बात हो रही हो उस चीज़ की बात करते हैं। मैं उधर पहुँचा कोडिंग में, तू इधर पहुँच जाऊँ। अच्छा बहरहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ नो, यहाँ पे दोबारा आइकॉन जो दिखा रहे थे इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से। अब ये देख रहे हो आइकॉन वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, मतलब फावा की कौन सी लाइब्रेरी है, इसका नाम क्या है वाला और एफ एन एल की बन रहे हैं। फाउंडर्स फॉर्म को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड जहाँ भी मुझे इसको पेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पे आके अगर मैं इस फॉर्म को पेस्ट कर देता हूँ वर्क करेगा, लेकिन आईकॉन शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि वो फाउंडेशन का जो लिंक है जरूरी सी बात हमने ही लगाया। अब ये यहाँ पे हमने वो भी दिया होगा, कॉपी करता हूँ थोड़ी साइड से पढ़ेंगे भैया, इसको अब ऐसा करते हैं कंटेनर के अंदर ना डीआरजी देंगे। अच्छा एक बात पूछो, अगर कोई वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बंद हो गया तो उसके साथ हम इनलाइन या क्या करते हैं कोई भी सीएसएस ऐड कर सकते हो? हां कर सकते हैं। पहले सीएसएस ही ऐड करेगी, चलेगी बाद में बूटस्ट्रैप चलेगी। फॉर्म से आगे चले इनपुट्स, इनपुट्स में भी खैर वही हुई चीज़ें बता रहे हैं दोबारा से। हर इनपुट के ऊपर वो अलग अलग जो है ना वो करके दिखा रहे हैं, ऐड क्लासेस। हाँ
की वो प्लेस प्लेस होल्डर इनपुट साइजिंग के ऊपर चलते हैं हम डायरेक्टली। इनपुट साइज इनपुट साइजिंग में क्या है यहाँ पे ना डिफरेंट क्लासेस हैं आपके पास इनपुट एल जी इनपुट करते हैं जी हम बूस्ट ड्राइव कर रहे हैं अच्छा यार इनपुट साइजिंग में क्या है हर इनपुट का साइज लगा देते हैं नॉर्मल या फिर एल जी या एस एम वाली क्लासेज आ जाती हैं लेकिन दो भी तो थोड़ा उनकी साइज में डिफरेंस आएगा एस एम वाली जाहिर सी बात है स्मॉल होंगी ये देख लो एस एम वाली ये आ गई ठीक है एल जी ये है सॉरी ये वो है डिफॉल्ट वाली जो आम है इनपुट एल जी की क्लासेस पे दोगे वो थोड़ी सी इस तरह बड़ी होगी इनपुट एस एम जो है वो थोड़ी सी स्मॉल होगी ठीक है इसी तरह ये सिलेक्ट लिस्ट है इसके ऊपर भी मैंने ये वाली ऑप्शंस दी हुई हैं बस इधर नहीं काम ऑप्शन का टैग ये किस लिए है सिलेक्ट का टैग उसके अंदर ऑप्शन का टैग इस काम के लिए है अच्छा अच्छा हेलो कैन ओ लियली तुम्हें भूल जा रहे हैं सर वो इसके अंदर भी इनपुट एलजी इनपुट एसएम लगा हुआ है इसी में से वो बढ़ाया छोटा और ठीक है तो ये है इनपुट साइजिंग के बारे में अच्छा अभी है मीडिया ऑब्जेक्ट्स मीडिया ऑब्जेक्ट्स में क्या है देखते हैं हाँ ये कमेंट वाला ही सिनेरियो समझ लो जिस तरह कमेंट वगैरह होते हैं ना सर वो देखा ना वो जिस तरह बन रहा होता है इस तरह आपने बताना हो जिस तरह की आपको लेआउट नजर आ रही है अच्छा ये क्या है आपने सिंपली एक डिव बनानी है उसको क्लास दे देनी है मीडिया के उसके अंदर एक और डिव आ जाएगी मीडिया लेफ्ट और एक डिव आ जाएगी मीडिया बॉटम मीडिया लेफ्ट के अंदर या मीडिया राइट भी हो सकता है नीचे देख रहे हो मीडिया राइट राइट करोगे तो मीडिया राइट साइड भी चला जाएगा लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट भी चला जाएगा लेफ्ट की क्लास दी इसमें हमने एक तस्वीर रख दी तस्वीर कहाँ पर शो हो रही है मीडिया बॉडी हमने क्रिएट की मीडिया हेडिंग इसमें रखी जॉन डॉय जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है और पैराग्राफ इसी के अंदर उन्होंने रख दिया मीडिया बॉडी के अंदर ही जो आपको इधर शो हो रहा है अच्छा अब मजे की बात है नेस्टेड भी आप बना सकते हो एक के अंदर एक जितना वो कमेंट्स वाला सीन चल रहा है इसी डिव के अंदर एक और कर देंगे राइट में तो इसी के साथ आ जाए बिल्कुल ऐसे पहली डिव ये देखो ये मीडिया है ना इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ राइट करूंगा तो मुझे क्या करना है मुझे दो काम करने हैं एक तो यहाँ मुझे राइट करना है इससे क्या होगा वो राइट साइड पे लाइन हो जाएगा थोड़ा सा लेकिन स्टिल अभी राइट पे नहीं आएगा देख रहे हो थोड़ा सा राइट पे लग गया है लेकिन राइट साइड पे आया नहीं है मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से उठाना है इसको मुझे रख देना है मीडिया बॉडी के बाद राइट पे क्लियर अब क्या जी ये देखो ये एक मीडिया बन रहा है ना एक मीडिया ये मीडिया बॉडी है और ये मीडिया राइट इसी तरह ये मीडिया लेफ्ट था और ये मीडिया बॉडी अच्छा मीडिया लेफ्ट और मीडिया राइट के नीचे बॉडी ही मिल जाती है बॉडी के सेंटर में आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं ऐसे ही अब मैं ये कहता हूँ ये जो लेफ्ट लाइन है ना ये वाला इसके अंदर एक और है उसके लिए क्या करूँगा सिंपली इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा फर्स्ट वाले के अंदर जा रहा हूँ इसका मीडिया लेफ्ट ये आ गया मीडिया बॉडी ये खत्म होगी इसके बिल्कुल बाद मैंने यहाँ पे इसको उसके नीचे आ जाए बल्कि सॉरी हाँ मैं गलत कह रहा हूँ मीडिया बॉडी के अंदर हम इसको पेस्ट मीडिया बॉडी के अंदर दोबारा देखो ये पहले वाला है मीडिया ये वाला इसके अंदर डिप यहाँ पे खत्म हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है यहाँ पे खत्म हो रही है इसकी डिप के बाहर रखेंगे हम क्या अंदर ही रखेंगे अंदर रखेंगे तो ये इसके अंदर कौन सी डिप है मीडिया बॉडी बॉडी के अंदर पैराग्राफ और वो आ रहा है बॉडी के अंदर डाल दूंगा इसकी मीडिया बॉडी के अंदर ऐड कर दूंगा फिर से वही वाला वो छोटा हो जाएगा ना जितने भी ऐड करूंगा ये देखना इसलिए होता है ये तो रिव्यू के लिए ना एक हो गया इसके नीचे जो ये देखो फेसबुक पे रिप्लाई ये देखो चार मैंने ऐड कर दिए चारों उसके अंदर आ रहा है अब फर्ज करो कि इसको मैं आगे करना चाहता हूँ
या इसको इधर रखना चाहता हूँ, इसको आगे करना चाहता हूँ तीसरे वाले को, वन टू थ्री पार्टी के अंदर। तो पहले तो ये आ गया, सबसे पहले वाला कहाँ पे है? सबसे पहला वाला जो मीडिया है वो देख लेते हैं कहाँ पे है। वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी मीडिया बॉडी थी, अभी ख़त्म नहीं हुई कि उसके अंदर एक और मीडिया आ गया। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और, उसके बाहर साथ ही इसको कॉपी करके इससे ऊपर वाले की बॉडी में रख दो उसके, फिर ये एक और आ गया। हमने इसको करना है तो ये है। अब इससे जो अगला है ना, मैं ये चाह रहा हूँ वो बिल्कुल सामने आ रहा है, थोड़ा सा आगे करके आया इसको, उसकी बॉडी में रख दो। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो मीडिया बॉडी को, मतलब ये ईयरली क्लासेस को। ठीक है, मीडियाज की क्लासेस को क्या ऊपर आया था जो हेडिंग नहीं आपने बड़ी मीडिया हेडिंग, उसी के अंदर जाकर बैठ गए। अच्छा ये देख रहे हो मीडिया टॉप, इसमें ये इमेज ऊपर आ रही है, जब टेक्स्ट लंबा हो रहा है आपका तो इमेज ऊपर वाली साइड में लग रही है। मीडिया टॉप की एक क्लास मौजूद है उसके थ्रू, अगर आप मीडिया को मीडिया मिडिल की क्लास लोगे तो फिर इस तरह आ जाएगा। मेनली ऊपर ये देखिए इसके अंदर हेडिंग बॉडी वगैरह ऊपर आ रही है, जब ये इस तरह लंबी हो जाएगी ना तो ये इधर आ जाएगा, ये मेनली को देंगे ना हेडिंग, आप इसको दोगे इस मीडिया इसमें इमेज पड़ी है, इसमें इमेज पड़ी है। ठीक है, मीडिया मिडिल की क्लास, फिर इस तरह मीडिया बॉटम की क्लास, ये देखो इस तरह से आप दोगे मीडिया, तो मीडिया लेफ्ट की क्लास थी ना अभी, तो अब क्या है साथ ही आगे बोल दिया मीडिया मिडिल दोगे तो सेंटर में आएगा। यस, नेस्टिंग मीडिया मीडिया मिडिल, ये वैसे ही बनाया है, अगर इसके अंदर हम मीडिया लगानी है हां वो बदल लगानी है, ये देखिए इंच के टैग ये यहाँ से स्टार्ट हो गई तो खत्म हो रही है, इसके अंदर स्पीड लगेगी। नेस्टिंग मीडिया ऑब्जेक्ट्स मतलब एक के अंदर एक ऐड करना, वो तो भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये वही वाली चीज जो भी हमने थोड़ी देर पहले, यहाँ तक वो उसी की बॉडी में, फिर एक बाइड आ गई, हाँ ये इसकी बॉडी में जी, ये इसके बिल्कुल साथ है इसकी बॉडी, ये वाला इसकी वाली बॉडी, नहीं 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 ये इसकी बॉडी में, ये इसकी बॉडी में है, ये भी इसकी ही बॉडी में, इसलिए ये जो है वो इसकी बॉडी, हाँ हालांकि, और ये वाला जो है ये बाहर है, रोटी दी बाहर है। ऑटोमेटिक भी कर सकता है आप, अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसमें टाइमर लगा दो, दो तीन सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड होता रहे अभी आ जाएगा। अभी मिला आलम नहीं है एरर वाला, अब हम चूंकि जेएस तो की नहीं, अब हम इसमें बढ़ना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर हमें जावास्क्रिप्ट में फॉरेन इंस्टेंस करना पड़ जाए वो समझ लो कैसे करेंगे। सुनो पहले सुनो सुनो, जावास्क्रिप्ट का जो तरीकाकार है ना वो आप समझ लोगे ना तो आपको ये पता लगाना ईजी हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जे एस वाली फंक्शन है ना वही बूटस्ट्रैप में करनी है ना आपने, मुझे ऑप्शन दी होगी टेक्निकल की हर चीज़। जे एस में समझ लो कैसे काम करता है, जे एस में पहले हम ये दो इमेज के ऊपर ना कुंडे लगा देते हैं, सी एस एस के थ्रू ना यहाँ पे करके ना ये दो लगा देंगे, इसमें कढ़ाई के अंदर ठीक है छुप जाएगा। इसके बाद ये हैंडल्स के बाद ये नीचे आप बटन्स लगाओगे तीन लग गए, तीन इमेजेस आप ऊपर नीचे लगा दोगे, वन टू थ्री लगा दी लग गई, उनमें से एक इमेज के ऊपर आप तीनों को पहली बात हाइड कर दो, तीनों को हाइड हाइड कर दो,
ठीक है कर दिया आर्टिकल एंड शो किया, कुछ भी नहीं होगा नहीं ना। और किसी एक को आप क्लास दे दोगे एक्टिविटी, उस एक्टिविटी क्लास में आप डिफाइन करोगे कि जिस पे भी एक्टिविटी क्लास हो वो शो हो जाए, वो शो होने लग पड़ेगा। ये काम हो रहा है सी एस एस के थ्रू, एक एक्टिविटी एक नजर ही। हाँ अब देखो अब क्या हो रहा है, ये देखना इधर इधर, जब इस पे क्लिक होगा ना तो हमने जे एस के थ्रू लगाया होगा कि जो पहली तस्वीर है ना इस क्लिप के अंदर उससे एक्टिविटी क्लास रिमूव हो जाए, सॉरी उसके ऊपर ऐड हो जाए, बाकियों के ऊपर से रिमूव हो जाए एक्टिविटी क्लास। इस पे क्लिक होगा तो हमने लगाया होगा जेएस के थ्रू के इस वाली सेकंड वाली के ऊपर एक्टिविटी क्लास ऐड हो जाए, बाकियों से रिमूव हो जाए। थर्ड भी जेएस के फंक्शन बनाना, इसमें क्या होगा, उसमें तो तीन हमने बना दिए, तीन स्लाइडर थे तीन बना दिए, इसमें क्या, इसमें ऐसे नहीं होगा। इसका लॉजिक और होता है, इसका लॉजिक ये है कि जब इस पे क्लिक होगा ना तो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू पहले उस डिव के अंदर जो हमने डिव बनाई है जिसमें तीनों स्लाइडर रखे हुए हैं उसमें हम देखते हैं कितनी तस्वीरें, ये तीन तस्वीरें टोटल नंबर तीन आ गया। अब हम देखते हैं तीन तक जब आएगा ना नंबर तो तुम यही वाला काम करेगा, अगर वो पहली इमेज के ऊपर खड़ा है तो वो इस पर क्लिक करने पर दूसरी इमेज पर चला जाएगा, मतलब प्लस वन के ऊपर, इस पर क्लिक करने पर प्लस वन पे। ध्यान से सुनना ज़रा, ध्यान से, अभी मैं बाद में खड़ा हूँ, प्लस वन पे क्या आ जाएगा टू, अब ये दोबारा प्लस वन वाले पे चला जाएगा तो ठीक खत्म होगी कहानी, इससे ऊपर प्लस अगर फोर पे जाएगा तो वो तो हो गई। तो यही है वो टोटल नंबर पहले चेक कर लेते हैं कितना, तीन है ना, तीन तक प्लस वन करके चला जाएगा, उसके बाद अगर कोई स्लाइडर जाएगा ना उसको फिर से माइनस वन कर देगा। जब इससे ऊपर ये जाएगा ना तीन से ऊपर फिर से वो माइनस वन जाएगा, फिर माइनस वन प्लस वन क्या हो गया जीरो, जीरो वाला स्लाइडर आ गया, फिर वन वाला आ गया, फिर टू वाला आ गया, इस तरह करके लूप जो है वो चलती रहेगी। लॉजिक समझ लग गई जावास्क्रिप्ट में किस तरह होता है, अब प्रोसीजर में कैसे होता है। जो वो नुक्ते मैंने अभी बताए आपको जो बटन नीचे लगे हुए थे इन पे क्या बताया था वाला छोटी देर पहले, ये तो करता है प्लस वन को मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस बनाऊंगा, प्लस वन मतलब नेक्स्ट, माइनस वन मतलब कि प्रीवियस। इनके ऊपर लगा हुआ है स्लाइडर का नाम, मतलब पहली तस्वीर खोलनी है, दूसरी खोलनी है या तीसरी खोलनी। अब देखो स्लाइडर बनना पहली बात है कैसे, सुन लो ध्यान से, ये स्लाइडर है आपके सामने, ये तीनों आप देख रहे हो स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स, ये बेसिकली वो बटन है जो नीचे शो हो रहा है, ठीक हो गया चले गया ना। अभी के लिए ये जो आपको राइट और लेफ्ट पे शो हो रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, होना बंद हो गए। अच्छा जी मैं ये बोल रहा था अभी मैंने वो हटा दिए, ये नीचे वाले इंडिकेटर तो राइट साइड वाले लेफ्ट वाले हट गए, ऊपर वाले हटाए हैं तो क्या हुआ ये वाले हट गए बटन। अच्छा पहले ये समझ लो, इनको ना मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ इनको हम बाद में समझते हैं, इससे पहले तस्वीरें समझ लो वो कैसे चल रही है। रात करता हूँ अभी ये शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक डिव बनाई गई है, उसका नाम क्या दिया गया, क्रूजल इमेज है, वे भी ऑटोमेटिक चल रही है। हाँ उन्होंने वो टाइम फ्रेम दिया होगा, क्लिक करो ना करो ये है ना डाटा स्लाइड इक्वल टू क्रूजल उन्होंने दिया होगा, ऑटोमेटिकली चल रहा है इसमें। अच्छा सुनो पहले सबसे उन्होंने एक डिव क्रिएट की, उसका नाम क्या रखा है, क्लास क्या दी है उसको, क्रूजल, और दूसरी क्लास कौन सी दी है, स्लाइड की क्लास की वजह से वो ऑटोमेटिकली स्लाइड कर रहा है। खत्म करता हूँ अब ये स्लाइड नहीं करेगा जब तक मैं इसको खुद जो है बना कर क्योंकि यस स्लाइड ने किया अगली तस्वीर आ मटर को देखते हैं, मेरे ख्याल से वो एनिमेशन फिर इसके थ्रू ऐड हो एनिमेशन हो रही है इसके थ्रू ऐड, ठीक है। डाटा राइड के थ्रू बंद हो डाटा राइड इक्वल नहीं डाटा राइड इक्वल टू क्रूजर का मतलब ये है, यहाँ पे जिस तरह आप डाटा टगल वगैरह नहीं लिखते यहाँ पे बताया गया कि डाटा राइड का जो एट्रीब्यूट है ना वो इसकी बूटलेटर की जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर डिफाइन है, इससे इसको पता लग रहा है कि ये क्रूजर है। क्लियर आगे चलते हैं, इसके अंदर उन्होंने एक ऑडियो बनाई है जावास्क्रिप्ट की है डाटा बूट से ट्रैप वालों ने ही अपनी जेएस की फाइल में डिफाइन किया। आगे सुनो डिव आ गई, इस डिव का क्या क्लास है, क्रूजर इनर डाटा क्रूजर इनर एक्टिव की क्लास दी हुई है, हटा देता चोर है कुछ। मैंने आपको ये बताया था कि तीनों चीज़ें हाइड होती, किसी एक को हम बाद में एक्टिव करते हैं जो बाय डिफॉल्ट शो हो रही होती है। अब जिसकी वैल्यू से मिलेगी वो अब आगे सुनो, इतनी समय लगी चीज़ की
मतलब क्रूजर अब इन्होंने पीछे कोडिंग क्या लगाई हो कि क्रूजर इनर के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको हाइड कर दो, जिसमें एक्टिव है उसका सिर्फ होगा, ठीक है। ये इन्होंने आर्टिकल लिखा है लॉस एंजल्स रेट, तुझे आज तक नहीं पता लगा कि एलटी क्या होता है, कल भी बताया था अल्टरनेटिव। हाँ जी अल्टरनेटिव इसमें लगी है उसको है। इमेज जब शो नहीं होती तो एलटी टैग तब जो इसने लिखा होता है वो शो हो जाता है, क्लियर। अच्छा बाकी देख ये जो इसके ऊपर इंडिकेटर शो हो रहे थे इनको मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, रन पे क्लिक करता हूँ ये शो हो गया। ये ओएल है एक, इसको क्लास दी गई है क्रूजल इंडिकेटर्स की, अंदर इसके क्या रखा गया एल आई, डाटा टारगेट क्या रखा गया है यहाँ पे माय क्रूजल, और ये किसका आई डी है आपके इस पूरे क्रूजल का आई डी। डाटा स्लाइड टू क्या लिखा है, तो ये जीरो वाला मतलब जो पहली वाली है उसके ऊपर जाएगा, यानी जीरो से शुरू कर दिया। प्रोग्रामिंग में जब भी काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है, वन से नहीं होती स्टार्ट, अब जीरो से स्टार्ट करते हो जीरो वन टू, अगर तीन चीज़ें हैं तो टू है मतलब, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा वन एंड टू, जीरो पे क्लिक करने पे ये जीरो वाला ओपन करेगा, वन पे क्लिक करने पे वन वाला ओपन करेगा स्लाइडर, और टू पे क्लिक करने पे टू वाला। लॉजिक इसका पीछे क्या लगा होगा कि भाई यहाँ पे क्रूजर इनर के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसमें से जो पहली आइटम की अरे के अंदर पहला इंडेक्स है उस पर एक्टिव की क्लास ऐड कर दो, अगर इस पर क्लिक होता है इस पर होता है तो फिर सेकंड वाली आइटम के ऊपर एक्टिव की क्लास ऐड कर दो, इन दोनों से रिमूव कर दो, तीसरे पे होता है तो दोनों से रिमूव करके तीसरे वाले पे ऐड कर दो। ये उन्होंने कहाँ डिफाइन किया है जिस पे एक्टिव की क्लास हो उसको, कहाँ पे डिफाइन किया, गुड क्वेश्चन। ये उन्होंने डिफाइन किया है इस फाइल को bootstrap डॉट मीन डॉट जी एस, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है डेटा टारगेट इक्वल टू एक मिनट रुको, ये है डेटा राइट लिखा हुआ है इक्वल टू क्रूजर, सिर्फ यहाँ से डेटा राइट से इसको डिफाइन हुआ है डेटा राइट इक्वल टू क्रूजर। इसमें डॉट ईच मतलब फॉर ईच लूप लगी हुई है, इसमें क्या होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो डेटा टारगेट आप पढ़ते हो बार बार, अभी इन्होंने क्या डेटा टारगेट में दिया, उसमें आई डी दिया है जी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा स्लाइड टू, तो मैंने आपको बोला कि डाटा स्लाइड टू के ऊपर वो क्या कर रहे होंगे कि इसमें से जितनी भी आइटम्स हैं उनको पकड़े होंगे वन बाई वन, सो वो ये डाटा स्लाइड टू जो है ना वो यहाँ पे लिखा होगा ये चीज़, बल्कि ये आप पकड़े ई डॉट एट्रीब्यूट मतलब जो भी एलिमेंट है उसका एट्रीब्यूट होगा कौन सा डाटा स्लाइड टू के नाम से। अच्छा ये नीचे फिर से उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होने वाला है इसमें, अब ये सारा वो खिंची मिची हुआ समझ नहीं लग रही कि क्या लिखा हुआ है। बहरहाल हर चीज़ जो है वो आपकी इस जे एस की फाइल में डिफाइन हुई पड़ी है, उसके लिए हाँ बिल्कुल ऐसा, उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग देना पड़ेगा, उसमें आप खुद कोई कोडिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। नहीं नहीं एक फंक्शन ही बनाना है उसको जो आईडी वगैरह आपकी मर्जी से देते हैं। हाँ ये तो वो है ना जो पहले से क्रिएट हुए हैं, आप अगर खुद करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट आपको आती है आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप ये खुद से नया वेरिएबल बना लिए बनाना है एट्रीब्यूट बनाना है कुछ भी करना है एलिमेंट्स को ऐड करना है स्लाइड करवाना है ये वो ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। बस अभी के लिए ये सिनेरियो है, समझ लगी इस चीज़ की, क्लियर है। ये डिफरेंट इमेजेस नहीं हैं क्योंकि चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ ये जो दो बटन नीचे अब रह गए हैं उस पर उन्होंने लिखा हुआ है डाटा स्लाइड टू इक्वल्स टू जीरो वन या टू, इसमें वो सिनेरियो नहीं है, इसमें सिर्फ ये लिखा है डाटा स्लाइड इक्वल टू प्रीवियस या डाटा स्लाइड इक्वल्स टू नेक्स्ट, ये उनके लिए होगा। अब ये देखो डाटा स्लाइड इक्वल्स टू प्रीवियस ये उसके अंदर डिफाइन हुआ होगा, प्रीवियस और प्रीवियस होगा तो ये कर दो, नेक्स्ट होगा तो ये कर दो, आइटम्स की लेंथ में से माइनस वन कर दो, अदरवाइज यहाँ पे क्या कर रहे हैं इफ़ यहाँ से इफ लूप लगी हुई है यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं इसको, नहीं 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 ये प्लस नहीं कर रहे, ये इसी को भी लिखा हुआ है ये प्रीवियस है ना, नेक्स्ट पे जाएंगे नेक्स्ट पे जाऊँगा तो प्लस होगा, ये कुछ हो रही है इधर भी माइनस ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या
पर अभी वो सही तरह लिखा नहीं हुआ, अदरवाइज समझ लग जाती है इसकी। ये है कि यहाँ पे जो है ना ये वाला स्नैरियो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाटा स्लाइड इक्वल टू प्रीवियस लिखने से वो बैग जाएगा, डाटा स्लाइड इक्वल टू नेक्स्ट लिखने से वो नेक्स्ट वाले स्लाइड के ऊपर मूव करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे इधर से आप ये कोड उठा सकते हो, लेकिन स्टिल चीज़ें आपको बताइए पता होगी। हाँ अच्छा, अब ये नीचे एक और एग्जांपल देख लो, इसमें वो ना स्लाइडर के ऊपर कुछ हेडिंग्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। ये देखो जिस तरह ये लिखा होगा कुछ, हाँ ये देखो ना, ये उन्होंने क्रूजर कैप्शन के नाम से एक डिव बनाई है आइटम के अंदर, उसके अंदर उन्होंने एच मार थ्री भी दे दिया है, फिर पैराग्राफ भी दे दिया है, इसमें वो ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल, मॉडल पता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? डमी को। हाँ डमी नहीं, मॉडल एम ओ डी ए एल है। ठीक है, सो अगर मैं क्लिक करता हूँ ना पॉपअप को, बोल रहे हैं पॉपअप जो है उसको बोलते हैं, हाँ ये जे एस के थ्रू ही काम है। इसका भी क्या है, एक इन्होंने डिव बनाई हुई है, इसके बैकग्राउंड पे कभी क्लिक नहीं हो सकता, और क्लोज के बटन पे क्लिक करने पे क्लोज होगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये सारा काम बूटस्ट्रैप के थ्रू हो रहा है। ये यहाँ पे एक इन्होंने बटन बनाया, इसमें उन्होंने डाटा टगल बता दिया मॉडल, और डाटा टारगेट दे दिया हैश माई मॉडल, और ये नीचे मॉडल का कोड पड़ा हुआ है। क्या मुश्किल है इसमें, कोई है मुश्किल नहीं। अब मुश्किल ही मुश्किल है। अच्छा, इस मॉडल की जो स्टाइलिंग है ना, स्टाइलिंग उसको अगर चेंज करना है वो आप सीएसएस से खुद भी कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। अदरवाइज वही होगी जो उन्होंने, अदरवाइज उन्होंने दे दी है वो डिफाइन करनी है, वही होगी। आपने ये यहाँ से मॉडल उठाया, कॉपी किया, इसका आईडी यहाँ से जो भी रखा वही आईडी यहाँ पे होना चाहिए डाटा टारगेट के अंदर, फिर इस बटन पे क्लिक करने पे ये वाला मॉडल जो है वो ओपन हो जाएगा। बटन कौन सा है जिस पे क्लिक करना, यही आप कह रहे थे एक दिन मैं अलर्ट करता हूँ तो ऊपर आ जाता है, तो दिमाग में आप इसके थ्रू बना सकते हो, प्रॉम्प्ट बनाया था। मॉडल का आप साइज भी डिफाइन कर सकते हो, मॉडल एसएम, मॉडल एलजी, इसके थ्रू और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप सीधे टूल टिप क्या है। अक्सर आपने टाइटल देखा ये देखो, इस पे एसक्यूएल पे रखता हूँ, ये जो लिखा आ रहा है ना एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ये एक टाइटल है, इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये टाइटल है क्या? टाइटल ही है, विश्वास कर लो मुझे। ये देखो, ये टाइटल दिया हुआ है, टाइटल का टैग, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ए बी आर का जो टैग है उसके अंदर भी हम टाइटल डिफाइन करते हैं। फिर ये ABR से भी लगा सकते हो, डॉट डॉट नीचे आ जाएगा, हाँ उसमें डॉट डॉट आ रहा है। ये देखते हैं टाइटल आ रहा है SQL टोरी, जब मैं इस पे जा रहा हूँ वही यहाँ पे शो हो रहे हैं टाइटल जो लिखा हुआ है। अब अगर हमने उसको शो करवाना हो कुछ इस तरह से, पूरे इस तरह से पूरे पूरे को तुम छोड़ो, ये समय लग गया, इसकी जो लेआउट है वो देख रहे हो कितनी प्यारी है, ऐसी किसी भी चीज़ पे दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि टैग में कहाँ से भी है कैसे भी है, आप जो भी टाइटल डिफाइन करोगे। अच्छा एक चीज़ आप समझ लो, जिस भी पेज में आपने ये करना है ना उसमें आपको ये लगाना लाजमी है, ये स्क्रिप्ट आपने यहाँ से कॉपी करनी है, अपने पेज में लगा देनी है, कहाँ पर लगानी है, नीचे फुटर के पास लगा दो, बॉडी के पास, बॉडी के पास, बॉडी से पहले खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद बॉडी के लिए, खत्म होने से पहले खत्म हो रही है, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप फुटर में यहाँ पे बॉडी के ऊपर लगाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लगा दी, डाटा टगल इक्वल्स टू टूल टिप डॉट टूल टिप, ये बस आपने लिखना है। ठीक है, ये अगर मैं नहीं ना लिखता तो ये काम नहीं करेगा, देखना रन पे जा रहा हूँ, सिंपल टाइटल ही शो कर, टाइटल तो इस तरह शो होता है ना, टाइटल इक्वल टू जो भी इधर लिखा था। अब आपने ये कोड ऐड कर दिया,
अब जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब मैं इस पर भी कभी टाइटल लगाना चाहता हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड लगाना चाहता हूँ, इस पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है लेकिन इस तरह से आ रहा है, जबकि आप कहोगे इस किस तरह आ रहा है, और मैंने आपको बोला ये स्क्रिप्ट लगाना चाहिए, हर जगह भी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ लगानी होगी, डाटा टगल इक्वल टू टूल टिप। जैसे आप लगाओगे ऊपर जा, अब आप हाँ ये वो प्लेसमेंट आप डिफाइन कर सकते हो, देखो डाटा प्लेसमेंट। अच्छा नीचे पे उन्होंने नहीं दी, नीचे ऑटोमेटिक वो दिखा दिया, उसके ऊपर वो जगह ये बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है ना, बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, इसलिए अंदर को जा रहा है। अच्छा डाटा प्लेसमेंट इक्वल टू राइट कर रहा हूँ, अब देखना राइट में जो होगा माशाल्लाह। असल में वो क्यों हो रहा है मुझे समझ लगता है, ये एच वन टोटल विड्थ कवर कर, एच थ्री ब्लॉक एलिमेंट है ना, ब्लॉक पैराग्राफ ना होगा तो आई थिंक ये मेरे पसंद से आती है, हो रहा है अभी इस बल्कि पैराग्राफ भी वही है, स्पैन कर लेते हैं ठीक हो गया। अगर डाटा प्लेसमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉटम लेफ्ट, समझ लगी टूल टिप इस तरीके से बेसिकली काम करती है, ये जो आपको भी दिखाया रात के लिए लड़ा हूँ, जावा ने पता ही नहीं की कहते ने। हेलो पॉप ओवर पे जाता हूँ, पॉप ओवर क्या है, वो ये ड्रॉप डाउन टैब है, ये टूल टिप ही है लेकिन थोड़ा कह लो बड़ा है, इसमें हेडिंग भी है और नीचे वो भी है बॉडी भी। यार उसके लिए आपने टूल टिप यूज़ किया था, इसके लिए आप यूज करोगे डायरेक्ट अगले कुछ पॉप ओवर, टाइटल दे दोगे इसमें डाटा कंटेंट लिख के, इसमें जो भी इसकी बॉडी के अंदर आना है वो दे दो, टाइटल इसकी हेडिंग में आ जाएगा और डाटा कंटेंट जो है वो इसकी बॉडी में आ जाएगा, देख। और ये मजे की बात है, ये माउस लेके जाने पर नहीं आ रहा, क्लिक करने पर आएगा वो आपके ऊपर, ठीक है ये जो ऊपर उसने टाइटल में लिखना है, ये वाला टाइटल में ये और डाटा कंटेंट में ये नीचे जो आएगा बिल्कुल ऐसा ठीक हो, ये ऑटोमेटिक वो शेप बन जाएगी पेपर हाँ। पोजीशनिंग पॉप ओवर जिस तरह आपने उसमें डाटा प्लेसमेंट ऐड की थी, इसमें भी आप ऐड कर सकते हो डाटा प्लेसमेंट, ये टॉप पे करना है, राइट पे करना है, किधर को करना है, ठीक है समझ लगी। क्लोजिंग पॉप ओवर, डिसमिसेबल पॉप ओवर आप बना सकते हो, मतलब जो बंद भी हो सकता है, अभी देखो कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो बंद होगा, पहले वो बंद नहीं होता, कहीं पे क्लिक करने से बाहर इस एलिमेंट से बाहर कहीं पे क्लिक करूँ तो वो बंद नहीं होता था, अब जबकि वो बंद हो रहा है, किस तरह से हुआ है, सिंपली यहाँ पे ये लगाया हुआ है डाटा ट्रिगर इक्वल्स टू फोकस, ये तो हर चीज के साथ किसी के साथ लगाना पड़ेगा, बड़ी मेन चीज़ है, लगा सकते हो मतलब अगर कहीं पे बाहर आप जाते हो क्लिक करने पे, आगे चलते हैं स्क्रॉल स्पेस फाइल जो भी आप पढ़ लो, इसमें क्या है देखो ध्यान से देखना, यहाँ से ना ये एक पेज बना हुआ पूरा वेब पेज, सेक्शन चेंज कर क्या हुआ, स्क्रॉल होने से आपके ऊपर जो है वो चेंज कर रहा है, ऐसे ही वही जो एक पेज वेबसाइट बनाई थी वैसे ही है हाँ, लेकिन वैसे तो नहीं है इसके अंदर, तो वो तो मैंने आपको क्लिक करते थे तो नीचे क्लिक करते हैं नीचे से चेंज होता है, यहाँ से नीचे चेंज कर रहे हो ऊपर वो देखो चेंज हो रहा है, अगर सेक्शन टू पे क्लिक करें तो सेक्शन टू नहीं खुलेगा, खुल तो गया, इसको बोलते हैं बुक मार्क, लेकिन इस तरह मूव करने पे वो देख रहे हो बैकग्राउंड चेंज हो रही है, कैसे किया है ये जो ऊपर क्लिक करने से नीचे स्क्रॉल होता है उसको बुकमार्क बोलते हैं, बुकमार्क वेबसाइट। अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया, सेक्शन 1 2 3 4 वो डिफाइन कर दी इसकी, बैकग्राउंड शैकग्राउंड कलर से तो ये वाले जो सेक्शन बने आ रहे हैं, एक नेबर डिफाइन किए ऊपर, और नेबर को हमने डाटा टारगेट दे दिया, सॉरी
बटन यहाँ पे क्रिएट किया नहीं, बट टगल का ये वो है एडिंग शेडिंग हर चीज़ इन्होंने अपनी लाइन सी एस एस दे दिया या वो भी दे 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 अच्छा तो नहीं वही किया ठीक है ये सारा इन्होंने बूटस्ट्रैप भी किया हुआ क्या बोला बूटस्ट्रैप में ना उनकी ये कलर दिया ये भी ये नहीं कलर तो वैसे दिया कलर सी एस एस के थ्रू दी सी एस एस अच्छा अब आगे देखो आगे क्या हो रहा है यहाँ पे ना जो मेन काम हो रहा है स्क्रॉल कैसे हो रहा है वो जो इफेक्ट लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है ये सिनेरियो है कि पेज बड़ा बने तो ऑटोमेटिक ये तो आ जाती है ना स्क्रॉल वाला फंक्शन ऑटोमेटिक बॉडी पे उन्होंने क्या लगाया डाटा स्पेस इक्वल्स टू स्क्रॉल डाटा टारगेट इक्वल्स टू मतलब कि ये किस पे अप्लाई होगा डाटा ऑफसेट क्या होगा डेटा ऑफसेट का मतलब ये है कि यहाँ से वो कितना नीचे आएगा ठीक है ये पिक्सेल होगा या परसेंट होगा नहीं परसेंट में नहीं होगा पता नहीं पिक्सेल में है या किस में है नहीं और भी बड़े होते हैं वी एच वगैरह भी होते हैं वी एच आई एम काफ़ी होती है आई एम तो इंचज ही है लेकिन वी एच बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है व्यू नहीं व्यू अपनी क्या कर रही मुझे याद नहीं है इसको अच्छा नीचे देखो वो कैसे यूज हो रहा है पता नहीं कैसे हो रहा है जो खुद नहीं पता मेरे ख्याल से एच रेफ लगाया हुआ है शायद ये देखो इधर एच रेफ लगाया हुआ है वही बुक मार्क जो बात नहीं कर रहा वो जो पहले हमने वेबसाइट कल में बताई थी ये जिसमें वो हैश करके हम उसको लिंक दे देते हैं तो वो तो चलाया था देख रहा हूँ देखो अब मैंने स्क्रॉल स्पीड आया ना अब ये काम नहीं करेगा कर रहा नहीं कर रहा अब आता हूँ डाटा स्क्रॉल सिर्फ ये लगा दिया डाटा स्पेस इक्वल टू स्क्रॉल ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट लगा रहा है क्यों लगा रहा है ये देखो उन्होंने ना यहाँ पे वो दिया हुआ है सेक्शन वन उसको क्या आईडी दी है इस पर क्लिक होने पर क्या खुलेगा सेक्शन वन सेक्शन टू पर क्या खुलेगा सेक्शन थ्री पे क्या खुलेगा जब वो सेक्शन आता है ना उसके सामने देन वो फंक्शनैलिटी शो करवा दें क्लियर अच्छा ये है स्क्रॉल स्पे इसके बारे में आप मजीद यहाँ से पढ़ सकते हो इसमें ये भी इन्होंने देखो किया हुआ क्या किया स्क्रॉल स्पे वर्टिकल मेन्यू ये वर्टिकल मेन्यू मैं स्क्रॉल करता हूँ वो उधर ही खड़ी है मेन्यू फिक्स की हुई है इस पर क्लिक करता हूँ तो वो चेंज हो रहे हैं बात तो फिर वही है इसके ऊपर स्क्रॉल स्पे लगाया होगा इन पर क्लिक होने पर वो वाला ओपन हो रहा होगा पेज ये देखो सेक्शन टू ओपन होगा ये अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत स्पेस क्रॉल ऐड किया अच्छा एफिक्स में आ जाते हैं नहीं नहीं ये फिल्टर से एग्जॉस्ट कर देते हैं आज इसको एंड करें कल से जेएस स्टार्ट करें इसके आपने रिव्यू इसी तरीके से करते हैं ठीक है मैं बूस्टर थ्री पढ़ूँ हाँ बूस्टर थ्री की करनी है ग्रिड्स पढ़े नहीं है पहले कॉल एम डीज वगैरह अच्छा अच्छी को ग्रिड बोल दो एफिक्स एफिक्स क्या है वैसे ये देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ इधर आगे लग जाएगा स्टिकी पड़ा था ना एक बार वही वाला काम है लेकिन ये एफिक्स के थ्रू आप कर सकते हो एफिक्स में क्या होता है देखते हैं डेटा स्पे इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने डेटा ऑफसेट टॉप ऑफसेट टॉप से डिफाइन किया 195 पे जाएगा ना जैसे 5 लिखा था कि हाँ तो 197 पिक्सल्स पे जैसे ही जाएगा वो उधर ऊपर लग जाएगा मतलब ये जो ऊपर से लेके नीचे तक का फासला है 197 हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक पर इसको अगर मैं इसको बढ़ा के 500 कर देता हूँ ना काफ़ी नीचे जा तो फिर ये देखना अभी नीचे जाएगा तो फिर लगा देखा नीचे ये देखना अभी ऊपर से ला के फिर नीचे जा कर अगर मैं यहाँ पे 197 कर देता हूँ तो उनने पूरा पूरा गिन के लगाया होगा ना कहाँ तक बन रहे हैं ये देखो ये वो उधर जा के लोग ये ऐसी है जितनी उसकी हाइट दी हो उतनी थोड़ा ना लगा हाँ वो नेवर पे लगाया है ये ऐड कर दिया उधर जाके रुक जाएगा ये बोलते हैं एफिक्स फिल्टर्स ये काम आप जेएस के थ्रू जेएस के अलावा नहीं कर सकते इसमें ये बताया गया कि डिफरेंट टेबल के अंदर सर्चिंग लगानी है फिर करो मैरी लिखता हूँ सिर्फ मैरी आ गया सामने यहाँ पे जुलाई लिखता हूँ जुलाई आ गया ठीक है स्टिल इसमें आपको जेएस का कोड साथ लिखना पड़ेगा सो ये चीज़ हम जेएस के वक्त ही करेंगे दो दिन की तरह कहाँ पे आ रहा
ये इन्होंने जेक्वेरी यूज किया ना, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये जेक्वेरी यूज किया है। मैंने अक्सर देखा डॉलर का साइन, मैं बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पढ़ते हो ना जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे आप क्या लिखते हो जो भी आपका आईडी है, आईडी का नाम होता है, ये उससे वैल्यू गेट करते हो, ऐसे ही है जेक्वेरी में क्या होता है, आपने अगर आईडी के थ्रू गेट करना है ना तो आप यहाँ पे हैश माई इनपुट लिख देते हो बस, आईडी का नाम लिखता है, नाम ही है ये, माय इनपुट नाम ही, माय इनपुट नाम वो जरा इतना लंबा जो भी आईडी का नाम होगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट है ऐसा था, अगर कोई क्लास है ना तो जावास्क्रिप्ट में क्लास को गेट करने के लिए आप यूज करते हो फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, ऐसे यूज करते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सिंपली डॉट लगा दो जेक्वेरी, इजी है वहाँ पे काफी काम, फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आपने वो गेट करना है बाय टैग नेम गेट करना है, यहाँ पे आप सिंपली डॉट करा दो टैग नेम हो गया, और इसी तरह H1 लिखना है ना, H1 को गेट करना है, H1 के अंदर मैंने किसी चीज़ को गेट करना है, JS में उसका बड़ा लंबा थोड़ा काम है, मतलब मैं चाहता हूँ डिव है, डिव के अंदर फिर भी वो डॉट XYZ की क्लास है, तो मैं इस तरह लिखूंगा ये काम करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में मुझे बड़े लंबे चुकड़े चुकड़े में पढ़ना पड़ेगा, जेक्वेरी काफ़ी आसान कर देती है JS को। बहरहाल ये था बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू, इसमें हम ये काम कर सकते हैं, समय तो लग गई होगी, ठीक है, तो कल से जो है ना हम JS भी स्टार्ट करते हैं, पिछली चीज़ें आपने सारी याद रखनी है, ठीक है, लाजमी नहीं कि बिल्कुल आपको 100% आनी चाहिए, कम से कम पता होनी चाहिए ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसी होती है, पहुँच भी नहीं करना जो तुम निकाल रहे हो, एक चीज़ कुछ भूल गया था तो तेन फिर याद कराइए, फिर याद आनी है, याद रखनी है, ये होगा जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी ना, फिर बाकायदा लास्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, पता लगेगा आपको कैसे बननी है, ठीक है, क्लियर, ओके।